अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो झलकियां आप देख रहे हैं, ये हैं खोखरा पार से मीरपुर खास जाते हुए हमारे पिछले व्लॉग की, जब हम खोखरा पार से छोर रेलवे स्टेशन तक आए थे। और उस सफ़र का अगला हिस्सा आज पेश कर रहे हैं। मारवी एक्सप्रेस ट्रेन पर हमने यह सफ़र किया था, तो आइए इस सफ़र का अगला हिस्सा ट्रेन के इंजन में बैठकर मुलाहिज़ा करते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रेन के इंजन में, केबिन में, जहाँ से ड्राइवर ट्रेन को ऑपरेट करते हैं। और इस इंजन में बैठकर जो सामने के नज़ारे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, आप भी एंजॉय करें। छोर से निकलने के बाद ये जो बड़ा स्टेशन आ रहा है, छोर के बाद पहला, ये है ढोरोनारो रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन पर एक लूप लाइन भी मौजूद है, और यहाँ अक्सर जो थर एक्सप्रेस इंडिया जाया करती थी उसको क्रॉसिंग दी जाती थी। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मारवी एक्सप्रेस को यहाँ रोककर थर एक्सप्रेस को क्रॉसिंग दी गई है।
और जनाब अब हम दोबारा ट्रेन में आकर बैठ चुके हैं। इंजन में थोड़ा सा वक्त गुजारा, सफ़र किया और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। और अब ट्रेन की खिड़की से भी बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे होते हैं जब आप ट्रेन में बैठकर सफ़र करते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच रहे हैं पिथोरो रेलवे स्टेशन पर। ये पिथोरो जंक्शन रेलवे स्टेशन है। पहले यहाँ से मीटर गेज पे जो ट्रेन चलती थी, यहाँ से उसका ट्रैक अलग होता था, जो कुंडरी सामारो रोड नौकोट और दूसरे जो शहर हैं वहाँ जाता था। और इंशाल्लाह इसी पर भी वीडियो बनाएंगे, इसका मुकम्मल जायज़ा लेंगे। सामने से वो बड़ी शख्सियत आ रही है, साइट्स एंड साउंड्स के जो एडमिन हैं फहीम अब्बास भाई, उनसे भी हमने गुफ्तगू की थी और पिछले व्लॉग में वो गुफ्तगू मौजूद है। वो भी हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। और ये सुफियान भाई मौजूद है पाक रेलोग्राफी वाले, ये भी लोगों से मस्तियां कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं। और इसी दौरान हम शादीपली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। ये छोटे छोटे स्टेशन्स बीच में आते हैं। जब हम छोर से निकलते हैं यानी खोखरा पार से निकलते हैं मीरपुर खास, छोटे छोटे स्टेशन बहुत आते हैं। ये शादीपली रेलवे स्टेशन है। थोड़ा वक्त यहाँ रुकने के बाद एक बार फिर ट्रेन चल पड़ी है मीरपुर खास की तरफ। खास शुगर मिल है और ये शुगर मिल के दरमियान से ट्रैक गुजरता है। ऐसा कोई ट्रैक पाकिस्तान में मेरे ख्याल में नहीं है जो किसी कारखाने या फैक्ट्री के दरमियान से गुजरता हो। ये बिल्कुल मीरपुर खास शुगर मिल के दरमियान से गुजरता है। मिल का जो आधा हिस्सा है उस तरफ है और आधा हिस्सा उस तरफ है। इस वक्त हम शुगर मिल के दरमियान से गुजर रहे हैं।
तो जनाब अब हम पहुंच रहे हैं मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर 16 अक्टूबर 2021 के दिन। एक रात हमने खोपरा पार में गुजारी थी, 15 अक्टूबर को हम रवाना हुए थे मीरपुर खास रेलवे स्टेशन से और आज पहुंच रहे हैं वापस मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर मारवी पैसेंजर ट्रेन पर। तो जनाब मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर हमारा सफ़र ख़त्म हुआ और मारवी पैसेंजर ट्रेन अब समन सरकार एक्सप्रेस बनकर हैदराबाद की तरफ जा रही है। इस वक्त 9:45 हुए हैं सुबह के और यहीं पर हमारा आज का ये व्लॉग ख़त्म होता है। ये ट्रेन जा रही है, इसका नज़ारा करते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट करके अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।